हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक द्विवेदी। आज बैंकिंग टर्मिनोलॉजी का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे उसके तहत दूसरे अदर टर्मिनोलॉजी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने पिछली बार स्विफ्ट नेफ्ट IFSC माइकर, इन चार बैंकिंग टर्मिनोलॉजियों के बारे में डिस्कस किया था। यदि आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। देखिए, जैसे नेफ्ट जो था नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इट्स अ टेक्निक ऑफ फंड ट्रांसफर विच इज यूज्ड इन नेशनल लेवल एज वेल एज सेम एज RTGS। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज द ऑल्सो अ टेक्निक ऑफ फंड ट्रांसफर, इट इज यूज इन नेशनल लेवल। इट्स बट दिस डिफरेंस बिटवीन नेफ्ट एंड RTGS इज वन ऑफ इट इज द फास्टेस्ट सर्विस फॉर फंड ट्रांसफर। देखिए, नेफ्ट जो था इससे स्लो सर्विस है, यदि RTGS इससे फास्ट है। इसके पीछे कारण क्या है? नेफ्ट में ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता था? 0 to 24 hours लगते थे। नेफ्ट में जो ट्रांजेक्शन था वो कंप्लीट होने में 0 to 24 hours लगते थे, पर यहाँ ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड इन 0 to 2 hours। ट्रांजेक्शन जो कंप्लीट होता है मिनिमम 0 hours लग सकते हैं, मैक्सिमम 2 hours लगेंगे, वहां 24 hours था, तो उससे तेज सर्विस है। ये भारत के अंदर सबसे तेज सर्विस है फंड ट्रांसफर करने की। एंड हियर द मिनिमम लिमिट इज 2 lakhs, आप 2 lakh से कम का RTGS नहीं कर सकते हैं और इसकी मैक्सिमम लिमिट कोई भी नहीं है। देखिए, नेफ्ट और RTGS में क्या अंतर है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज अ टेक्निक ऑफ फंड ट्रांसफर, हियर इन नेफ्ट ट्रांजेक्शन टेक प्लेसेस इन बैसेस, मिनिमम 0 to 24 hours फिक्स्ड फॉर ट्रांजेक्शन टू बी कंप्लीटेड, बट इन द RTGS मिनिमम 0 to 2 hours आर फिक्स्ड टू बी ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड, वहां 0 to 24 hours थे, वेयर इज 0 to 2 hours, सो इट्स द फास्टेस्ट सर्विस। एंड द नेफ्ट नो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट, हियर द मिनिमम एंड मिनिमम लिमिट इज 2 lakh, बट नो मैक्सिमम लिमिट, नो लिमिट इन मैक्सिमम हाउ मच यू कैन ट्रांसफर। ये बात करें तो RTGS इज अ ISO सर्टिफाइड सर्विस, ISO 2002 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर्टिफाइड की गई सर्विस है। RTGS जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर्टिफाइड की गई सर्विस है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में। आप लोग IMPS, देखिए गूगल पे वगैरह तो आप लोग यूज करते हैं ना, मोबाइल फोन, मोबाइल पे, गूगल पे, तेजस, ये वो, दुनिया भर के ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने के लिए आप मोबाइल के थ्रू यूज करते हैं। उसको क्या कहा जाता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS, इट्स ऑल्सो फंड ट्रांसफर टेक्निक। मिसाल लॉन्च इन 2010 बाय श्रीमती गोपीनाथ। देखिए, मोबाइल बैंकिंग जो आई है वो 2010 से आई है, इट इज द 24/7, क्योंकि मोबाइल फोन के माध्यम से है तो 24 घंटे सप्ताह के सातों दिन आप इसका क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं मोबाइल बैंकिंग का यूज करते हुए। अभी तक आपने फंड ट्रांसफर की कितने टेक्निक देखी? एक तो स्विफ्ट देखा, स्विफ्ट में फंड जो ट्रांसफर होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे फंड ट्रांसफर होता है, उसका फुल फॉर्म सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, और वो क्या करता है? इट्स आल्सो प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर सर्विस टू द इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। एंड नेक्स्ट सेकेंड इज इट इज अ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इज द फंड ट्रांसफर टेक्निक विच आर यूज इन कंट्री, इट इज हेयर द फंड ट्रांसफर इन 24/7 hours, हेयर द फंड ट्रांसफर इन द बैसेस मिनिमम 0 hours एंड मैक्सिमम 24 hours फिक्स टू बी ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड, बट इन द नॉन अकाउंट होल्डर कंडीशन हेयर दिस नो मैक्सिमम नो मिनिमम लिमिट, बट इन द केस ऑफ नॉन अकाउंट होल्डर मैक्सिमम 50,000 कैन बी ट्रांस
ट्रांसफर एट अ टाइम, एंड थर्ड इज आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बिकॉज इट इज द फास्टेस्ट सर्विस फॉर फंड ट्रांसफर. हियर द मिनिमम 0 hour मैक्सिमम 2 hour फॉर फिक्स्ड ट्रांजेक्शन टू बी कंप्लीटेड, एंड हियर इज 2 lakhs मिनिमम लिमिट. नेट इज देयर इज नो लिमिट, बट हियर इज अ मिनिमम 2 lakhs लिमिट एंड मैक्सिमम नो लिमिट. यू कैन ट्रांसफर एज मच यू वॉन्ट. एंड फोर्थ इज IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस. इट इज लॉन्च इन 2010 बाय श्रीमती गोपीनाथ. इट इज 24/7 बिकॉज इट इज यूजिंग थ्रू मोबाइल बैंकिंग, फंड ट्रांसफर थ्रू मोबाइल बैंकिंग. अब इसके बाद हम लोग आगे की बैंकिंग टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे. थैंक यू.